हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बता रहा हूँ पेरेंट्स एफिडेविट। स्कॉलरशिप फॉर्म में यूज किए जाते हैं दो प्रकार के एफिडेविट। एक होता है छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक होता है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। जो अभिभावक द्वारा दे हलफनामा होता है उसी को पेरेंट्स एफिडेविट कहते हैं, या माता पिता पति विधिक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा भी कहते हैं। तो ये हलफनामा कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे फिल किया जाता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपका एफिडेविट खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले जैसे इसमें ऊपर लिखा है कि पिता माता पति विधिक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा, और हलफनामे का प्रारूप इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसमें लिखा है समक्ष श्रीमान प्राचार्य विभागाध्यक्ष, तो इस तरीके से लिखवाने के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर स्टूडेंट अपने विद्यालय का नाम लिखेगा। यदि स्टूडेंट फिल कर रहा है या अभिभावक भी फिल कर सकते हैं। वैसे नियम तो ये है कि इसको अभिभावक को फिल करना चाहिए, लेकिन यदि स्टूडेंट फिल कर रहा है तो वो अपने विद्यालय का नाम लिखेगा। अभिभावक फिल कर रहे हैं तो वो अपने बच्चे के विद्यालय का नाम लिखेंगे। जो भी बच्चा वहां पर पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। ऐसे कॉलेज कानपुर नगर लिखा है तो आपका कॉलेज जिस जगह हो, लखनऊ बाराबंकी पनकी जहां पर भी हो, वो आप यहाँ पर नाम कानपुर नगर की जगह लिख देंगे। इसके बाद लिखा है शपथ पत्र मिन्नाजिब, मिन्नाजिब के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखा जाएगा। जो भी अभिभावक हो, यदि कोई पति अभिभावक है तो पति का नाम लिखा जाएगा, यदि कोई पिता अभिभावक है तो पिता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी, फिर ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में यदि कोई महिला अभिभावक है तो उसके पति का नाम लिख दिया जाएगा, यदि कोई पुरुष अभिभावक है तो उसके पिता का नाम लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, और जो भी परेशानी होगी उससे रिलेटेड मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद में निवासी ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पर ग्राम का नाम लिखेंगे। यदि आप ग्राम में रहते हैं, यदि आप शहर में रहते हैं तो अपने नगर का नाम लिख दीजिएगा, जहां पर आप रहते हैं वहां का नाम आप यहां लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट में आप पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो पोस्ट ऑफिस आप यहां पर पोस्ट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। ऐसे का निवासी हूँ, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख देंगे। इसके बाद इसमें जैसे लिखा है कि मैं उपरोक्त शपथ करता शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। और क्या बयान करता करती हूँ, इसके बाद इसमें पहले नंबर का पॉइंट लिखा है यह है कि मेरा पुत्र पुत्री का नाम, नाम के बाद यहाँ जो खाली जगह दिया है यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उस स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जो कि संस्था में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही, यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम लिखेंगे। मतलब बच्चा बीटेक कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, एमए कर रहा है, जो भी कर रहा है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। का वर्ष, वर्ष के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो है आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में अध्ययनरत है, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि एफिडेविट में वाइटनर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वाइटनर लगा हुआ एफिडेविट मान्य नहीं होता है। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपके स्टेटस में एरर आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं अब मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाकर जमा करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने स्टेटस की कॉपी हमें भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाकर जमा करना है, उसके बाद क्या करना है, वो सब कुछ मैं हेल्प करूंगा आपकी लास्ट तक, जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है।
तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसका दूसरे नंबर का पॉइंट बता रहा था, लिखा यह है कि मेरे पुत्र पुत्री ने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ आय जाति निवास प्रमाण पत्र व अन्य जो भी दस्तावेज संलग्न किए वह पूर्णतया सत्य एवं सही है, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है यह है कि ये देखिए लिखा हुआ है यह कि संलग्न आय प्रमाण पत्र में जो भी आय दर्शाई गई वह पूर्णतया सत्य एवं सही है एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इस तरीके से आप भी इसका तीसरे नंबर का पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है यह कि उक्त आय के अतिरिक्त मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, इस तरीके से आप भी इसका चौथे नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद इसके पांचवें नंबर के पॉइंट में लिखा है यह कि मेरा आधार, फिर ये जो खाली जगह है यहाँ पर अभिभावक के आधार का नंबर डालेंगे, स्टूडेंट के आधार का नंबर नहीं डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अभिभावक के आधार का नंबर डालेंगे, अभिभावक का पैन नंबर डालेंगे यहाँ पर जहां मैं टिक लगा रहा हूँ, इसके बाद अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इसका छठवें नंबर का पॉइंट ऐसे लिख देंगे, यह है कि मैं कहीं पर सरकारी सेवा या अन्य किसी सेवा में सेवारत नहीं हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मतलब अभिभावक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसका बच्चा स्कॉलर का फॉर्म नहीं फिलअप करेगा। यदि वो स्कॉलर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल भी कोई भी कैंडिडेट यदि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो अपने बच्चे को स्कॉलर का फॉर्म फिलअप नहीं कराएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा अभिभावक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर गार्जियन के सिग्नेचर होंगे, जो अभिभावक है वो सिग्नेचर करेंगे, स्टूडेंट सिग्नेचर ना करे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तस्दीक, ये तस्दीक आज दिनांक, दिनांक के बाद ये जो खाली जगह, इस खाली जगह में आज की डेट डाल दीजिएगा जिस तारीख को इसको फिल कर रहे हैं। उसके बाद को कानपुर कचहरी में की गई, तो यहाँ कानपुर लिखा है, आप जहां जिस कचहरी में, उन्नाव कचहरी में, लखनऊ कचहरी में, जो भी आपकी कचहरी हो उस कचहरी का नाम ऐसे लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप एक अच्छा एफिडेविट बना सकते हैं। यह था अभिभावक द्वारा देह हलफनामा। यदि आपको देखना है स्टूडेंट एफिडेविट, मतलब छात्र द्वारा देह हलफनामा, तो आपको मेरे इसी YouTube चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे YouTube उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके, तो और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।